नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में, और जिस किसी भी पेशेंट में ये अगर सिम्टम्स आते हैं तो उसे तुरंत ही किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और डायबिटीज़ रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए, जिससे कि ये बीमारी ईजिली और जल्दी ही डायग्नोज हो सके और डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट अच्छे से पेशेंट ले सके। तो अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो इसमें कई बार जो सिम्टम्स होते हैं ये बहुत माइल्ड होते हैं और पेशेंट को बहुत लेट पता चलता है कि उसे डायबिटीज़ है। और जब तक पेशेंट को पता चलता है डायबिटीज़ के बारे में, तब तक उसके शरीर में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। पर अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जो ये सिम्टम्स होते हैं ये बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, यानी कि कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के भीतर ही आ जाते हैं। पर ये सिम्टम्स टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। और जो ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के, ये ज़्यादातर केसेस में पेशेंट में बढ़ी हुई शुगर की वजह से होते हैं। तो हम चालू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन इन सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है और साथ में उनमें थकान भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो ये इंसुलिन की जो डेफिशिएंसी होती है डायबिटीज़ के पेशेंट में, या फिर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से जो ग्लूकोज होता है, जो एनर्जी रिलीजिंग मॉलिक्यूल होता है, इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड से जो बॉडी सेल्स होती है उसमें हो नहीं पाता, और जिसकी वजह से सही से बॉडी की जो सेल्स है उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता और पेशेंट को हमेशा भूख लगती रहती है या उसे थकान रहती है। दूसरा कॉमन सिम्टम है इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। डायबिटिक पेशेंट्स में जो नॉर्मल यूरिन फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि 6 to 8 होती है पर डे, वो डायबिटिक पेशेंट्स में बढ़कर अराउंड 14 to 16 तक भी जा सकती है। और इस इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन की वजह से पेशेंट में पानी की कमी हो जाती है, वो डिहाइड्रेटेड फील करता है, और इस डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, ही फील्स थर्स्टी, और जिसकी वजह से उसका वाटर कंजम्पशन बढ़ जाता है। और इस इंक्रीज वाटर कंजम्पशन को मेडिकल टर्म्स में पॉलीडिप्सिया भी कहते हैं। और डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट की जो स्किन है वो ड्राई रहने लग जाती है, इसकी वजह से उसे इचिंग फील होती है या इरिटेशन फील होती है स्किन के ऊपर। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में इन्फेक्शंस बहुत बढ़ जाते हैं, और पर्टिकुलरली जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या स्किन इन्फेक्शंस हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है। बाकी जो पेशेंट्स हैं उनमें विजन में धुंधलापन आ सकता है, और हाथ या पांव में जलन महसूस होती है, सूनापन आ जाता है, या फिर झंझनाहट महसूस होती है। इसके अलावा कई सीवियर केसेस में पेशेंट में नौजिया, वॉमिटिंग या बहुत तेज़ पेट दर्द भी होने लग जाता है। तो ये थे कुछ अर्ली सिम्टम्स जो सस्पिशन पैदा करते हैं डायबिटीज़ की बीमारी के लिए, और जिन भी पेशेंट्स में ये सिम्टम्स आ रहे हैं उन्हें अर्जेंट ही किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपना पूरा इवैल्यूएशन कराना चाहिए। तो यही तक था आज का हमारा डिस्कशन। बाकी हेल्दी रहिए और अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।